बच्चों में या बड़ों में प्लेटलेट्स काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या एप्लास्टिक एनीमिया की शिकायत हो तो इस दौरान रिवोलेट टैबलेट हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे रिबोलेट टैबलेट से रिलेटेड जानकारी, जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है जीएसके फार्मास्यूटिकल द्वारा। रिबोलेट टैबलेट में साल्ट कंपोजिशन के तौर पर एल्ट्रोम्बोपैग ओलामिन पाया जाता है, जो कि टीपीओ रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। आगे हम वीडियो में जानेंगे रिबोलेट टैबलेट के यूजेस, कैसे ये टैबलेट कार्य करती है, इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट व और भी अदर इम्पोर्टेंट जानकारी। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। रिबोलेट टैबलेट में साल्ट कंपोजिशन के तौर पर एल्ट्रोम्बोपैग ओलामिन पाया जाता है, जो टीपीओ रिसेप्टर एगोनिस्ट है। रिबोलेट टैबलेट 25 मिलीग्राम व 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। रिबोलेट के अलावा यह टैबलेट एल्ट्रोपैग ब्रांड के नाम से भी आती है, जो रिबोलेट के सिमिलर ही होता है, यानी इसमें सेम कंपोजिशन पाया जाता है। रिबोलेट टैबलेट का यूज़ ओनली डॉक्टर की ही परमिशन पर किया जाना चाहिए। रिबोलेट टैबलेट के यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ आईटीपी यानी आइडोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा में किया जाता है। इस दौरान एडल्ट्स या चिल्ड्रन में लो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक विद हेपेटाइटिस सी यानी उन पेशेंट में भी इसका यूज़ किया जा सकता है जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ साथ हेपेटाइटिस सी की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा इसका यूज़ एप्लास्टिक एनीमिया में भी किया जाता है। इस दौरान जब पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से भी रिस्पॉन्स ना मिले, तब रिबोलेट टैबलेट का यूज़ डॉक्टर द्वारा करवाया जा सकता है। रिबोलेट टैबलेट ब्लड के न्यू प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है और जिससे ब्लीडिंग रोकने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार रिबोलेट टैबलेट अपना कार्य करती है। रिबोलेट टैबलेट यूज़ करने के बाद नोज़िया, डायरिया, मसल्स पेन व यूटीआई जैसे साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। रिबोलेट टैबलेट की डोज पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है। इस दौरान डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्टफीडिंग मदर को रिबोलेट टैबलेट का यूज़ ओनली डॉक्टर की ही सलाह पर करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी रिबोलेट टैबलेट के बारे में, जो कि टीपीओ रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की मेडिसिन है। रिबोलेट टैबलेट का यूज़ जो कि कंडीशन जैसे लो प्लेटलेट्स काउंट, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन में रिबोलेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है। वह हमने देखा कैसे ये टैबलेट कार्य करती है, इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।